जानते हैं कि कौन से ग्रह योग ऐसे हैं जो गृह मंत्री बनाते हैं। आज इस क्रम में शिवराज पाटिल जी की कुंडली हमारे पास है। 12 अक्टूबर 1935 को ब्रिटिश इंडिया के हैदराबाद प्रेसिडेंसी के लातूर में, जो कि अब महाराष्ट्र का हिस्सा है, में शिवराज पाटिल का जन्म हुआ। साइंस ग्रेजुएट थे और लॉ की डिग्री प्राप्त की उन्होंने। लातूर में स्थानीय शहरी निकाय से राजनीति की शुरुआत करने वाले पाटिल 1973 से 1980 तक लातूर से विधायक रहे। इसके बाद 1980 से 2004 तक निरंतर लातूर से सांसद चुने जाते रहे। सांसद रहने के दौरान 1991 से 1996 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। 2004 से 2008 तक वो देश के गृह मंत्री रहे। 2010 से 2015 तक पाटिल पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। आइए बात करते हैं इनकी सूर्य कुंडली के अनुसार इनकी ग्रह स्थितियों की। देखिए मित्रों, सबसे जोरदार बात यह है कि सूर्य इनका कन्या राशि के अंदर, कन्या राशि का सूर्य और चंद्रमा मीन राशि के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव, ऐसा सबके लिए एक तरह का कहना चाहिए कि इतना पॉजिटिव व्यक्ति अगर आपको ढूंढना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए सहायक, सबके साथ जुड़ करके सबके हित में काम करने वाला, तो वो शिवराज पाटिल जी का आप नाम ले सकते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर एक दूसरे से दृष्ट हैं और चंद्रमा बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति की राशि में चंद्रमा आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे की न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा देता है, बल्कि आपको कोई पराया नहीं लगता। और आपसे जब कोई पहली बार मिलता है तो उसको लगता है कि आप कई बार इस व्यक्ति से मिल चुके हैं। इतनी सहजता, इतनी आत्मीयता और इतना जुड़ाव वो एक बार में आपको दे देते हैं। तो ऐसे लोगों की फॉलोइंग, ऐसे लोगों के जुड़ाव और स्नेह और प्रेम संबंध और संबंधों की एक लंबी कड़ी जिससे मिलते हैं वो इनका हो जाता है, तो यहां इन ग्रह योगों से प्राप्त होती है। साथ ही साथ हर बार हमने कहा कि जब राजनीति बृहस्पति प्रधान होती है तो वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है। तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण कह दें तो भी कोई बड़ी बात इस कुंडली को नहीं होगी। शनि और शुक्र ये दोनों आमने सामने, ये भी ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं आती। अगर राजनीति की बात होगी तो फिर शुक्र और शनि से बेहतर कौन, तो दृष्टि संबंध बना रहे हैं यहां पर। ऊंचे दर्जे का राजनीतिज्ञ बनाता है इनको शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री बनने के अंदर, जो कि हम लगातार कहते जा रहे हैं कि बृहस्पति का कोई ना कोई जुड़ाव या प्रोमिनेंट होना या ऐसी स्थिति में होना जो आपके पॉलिटिक्स को संचालित कर रहा हो, ये जरूरी हो जाता है। और यहाँ इस कुंडली के अंदर एक बार फिर हम ये बता रहे हैं कि चंद्रमा का बृहस्पति में होना और मंगल और बृहस्पति का साथ कुंडली के अंदर, ये एक ऐसी स्थिति बना रहा है जो बृहस्पति से जुड़ाव की पॉलिटिक्स यहाँ दिखाई देती है। और बृहस्पति का प्रोमिनेंटली कीर्ति स्थान में बैठना इनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति के भावों को जगाता है, जो गृह मंत्री होने के योगों को प्रबल करता है। तो ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं वो, या जो राजनीति के प्रशिक्षार्थी हैं वो, ये देखें कि अपनी कुंडलियों के अंदर कहाँ ऐसे योग बन रहे हैं, किन की कुंडलियों में ऐसे योग बन रहे हैं जो उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।